नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आज दुबारा। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों के। महाराष्ट्र में इंटेलिया केस के बाद सामने आए वसूली कांड ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को पूरी तरह से शिकंजे में ले लिया है। इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश हुए तो महज 3 घंटे बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगले गृह मंत्री के रूप में दिलीप वलसे पार्टी की तैनाती लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। दरअसल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार मिलने के बाद महाराष्ट्र एटीएस और पुलिस लगातार सवालों के घेरे में आ गई थी। जांच की सुई धीरे धीरे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की ओर मुड़ी तो घेरे में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी आ गए। तबादला होने के बाद उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप भी लगाया। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया और 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। इसके बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफे दे दिया है। इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब आनी शुरू हो गई है। इस इस्तीफे के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का वो आरोप अब सही साबित हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। हालिया घटनाक्रम को देखते हुए इसमें सच्चाई भी अब नजर आ रही है। इस पूरे विवाद के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इमेज को क्या इतना पलीता लगाने की कोशिश हो रही है कि वे एनसीपी और कांग्रेस का दामन छोड़कर फिर से बीजेपी के भरोसे सरकार चलाने पर मजबूर हो जाए। हालांकि पर्दे के पीछे से हो रहे इस सियासी खेल से जुड़े सवालों के जवाब मिलने इतने आसान नहीं है, लेकिन अगर सारे विवाद को गहराई से देखें तो आने वाले दिन में महाराष्ट्र में किसी बड़े सियासी तूफान का इशारा भी लग रहा है। राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि भले ही गृह मंत्री अनिल देशमुख निर्दोष हो क्योंकि उनके यहाँ से कोई पैसों की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन 100 करोड़ की उधारी का आरोप इतना संजीदा है कि मुंबई और महाराष्ट्र के लोग इस पर आसानी से यकीन कर लेंगे। जिस महानगरी में अपनी मनपसंद पोस्टिंग पाने के लिए एक अदना सा सिपाही लाखों रुपए की भीड़ चढ़ाने के लिए तैयार हो और जहां कमिश्नर की कुर्सी पाने के लिए करोड़ों के वारे न्यारे होते रहे हो, वहां आम आदमी पहली नजर में इस आरोप को सच्ची मानेगा। फिलहाल अनिल देशमुख अपनी सरकार के लिए ऐसे किरदार बन चुके हैं जिन्हें पद पर बनाए रखना अपनी फजीहत कराने के समान है। अब जब उनसे इस्तीफा लिया जा चुका है तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि पूर्व पुलिस कमिश्नर का आरोप सही था। ऐसे हालात में सरकार की फजीहत होनी तय है। दरअसल परमवीर सिंह सरकार गिराने के सबसे बड़े हथियार साबित हो चुके हैं और सियासत की इस शतरंज में हलचल बड़ी चालाकी से चली भी जा रही है। इस शतरंज में सबसे बड़े प्यादे हैं परमवीर सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में नेताओं अफसरों की नजदीकियों को समझने वाले का दावा है कि परमवीर सिंह को शिवसेना या एनसीपी के मुकाबले भाजपा का ज्यादा करीबी भी समझा जाता है। शायद यही कारण है कि 2014 से 2019 तक जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब लगातार 4 साल तक वे ठाणे के पुलिस कमिश्नर पद पर भी रहे। उल्लेखनीय है कि परमवीर सिंह को अगले साल सितंबर में रिटायर होना है, लिहाजा अभी वे सर्विस में हैं। सर्विस में रहते हुए कोई अफसर मुख्यमंत्री को सीधे पत्र लिखने की हिम्मत नहीं करता है, वह भी ऐसा जिसमें अपने ही विभाग के मंत्री पर इतने गंभीर आरोप हो। जाहिर है कि उनके पीछे कोई तो ऐसी राजनीति ताकत है जो फिलहाल अदृश्य है। वैसे मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक सामग्री वाली कार और हिरेन मनसुख की रहस्यमय मौत का मामला फडणवीस ने जब विधानसभा में उठाया था तब सचिन वाजे और अनिल देशमुख के खिलाफ उनके तेवर काफी तीखे थे, लेकिन परमवीर सिंह के लिए उनकी बातों में नरमी भी थी। समझने वाले तो उसी पल इस नरमी का राज समझ गए थे। तो एक बार ऐसी खास खबर, इतने खास खबरों के लिए बनी रहे खबरों की खबर। तब तक के लिए नमस्कार।